शहबाज भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, लियाकत खान बोल रहा हूँ आपको। मैंने अभी फिरोज बेग का नंबर एसएमएस कर दिया है, मैंने उनसे बात भी नहीं, नहीं, एक बात सुनिए, आप एक बात सुनो लियाकत साहब, कभी आप और मैं मिले नहीं, पहली बात, अपनी मुलाकात है क्या पहले से? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। आप फोन पे बोल रहे हैं मैं लियाकत हूँ, राइट, मैं यकीन कर रहा हूँ आप लियाकत है, जैसा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपको मालूम है 9949211786 शहबाज खान का नंबर है, मैं शहबाज हूँ, आपको पता हो रहा, लेकिन मैं किससे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मुझे पता भी होना चाहिए। मैं इस वास्ते बोला आपको सर, अब ये मामले मामले में कैसा है बोले तो लोग कोई भी चाल चल दे रहे, कौन क्या कर रहा हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। आप बात समझ रहे हैं, आपकी बिल्कुल, आप यही बोला, हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों की जिंदगियां जो है बर्बाद हो रही हैं, लेकिन किसी को हर जना अपनी दुकान चलाने पे मजबूर है। ये बिल्कुल, मैंने अभी वही आपके ही लाइन पे बोला कि भाई वो कैसे यकीन कर लेंगे कौन मैं किससे बात कर रहा हूँ, हाँ? क्या कर रहा हूँ, जब तक की बातचीत होती नहीं मालूम नहीं। जी तो वही अभी मैंने इसलिए आपको नंबर दिया, आप नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रू कॉलर में वेरीफाई कर सकते हैं। उनका नाम क्या है बोले आपने? उनका नाम क्या है बोले? फिरोज बेग साहब। अच्छा, उन्होंने पूना एसोसिएशन में क्या है मोहतरम? ये पूना एसोसिएशन के जो पूरे कर्ता धर्ता यही है असल में, जो पीछे जो चला रहे ना, ये मेन है। देखो सुनो, आप इन्होंने सुनिए ना, सुनिए अब्बास, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। तो उनके साथ में जो रहमान साहब है, रिजवान आपा है, सऊद भाई है, जी जी जी, जितने भी है ना, ये सब ये इन्हीं के साथ में है, मतलब इन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप इनसे बात कर लीजिए, और इन्होंने ये भी बोला है कि ये मिल एसोसिएशन की तरफ से ये बात एक बार आपकी बात हो जाती है ना इंशाल्लाह, एक बार बात पर आपको आगे की बात समझ जाएगी। आप मेरी बात में सुन रहे हैं हमारे साहब, अभी आपने मुझसे नंबर मांगा था। जब तक इनकी इजाजत मैं नहीं ले लेता, मैं आपको नंबर कैसे देता? आप उनसे बात करा दीजिए, अगर उनसे बात हो सकती है तो 99 पे लेके आऊँ। आप उनसे नहीं सुनिए, आप उनसे बात कर लो ना, मैं नंबर दिया, आप नंबर वेरीफाई कर दो ना, ट्रू कॉलर पे वगैरह, बात ही करा दो ना भाई, आप बात ही करा दो ना। मैं यार एक मिनट, मैं एक्चुअली के साथ में बाहर था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो सिलसिले में बोला कि आप खुद बात कर लेंगे तो बेहतर है। भाई डबल लेन पे भी ले सकते हैं ना साहब। एक मिनट, मैं साइड में लेता हूँ गाड़ी, एक सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं जोर दूँ, आप वोट दीजिए। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमच्या कॉलला होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाईन वरच राहा। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहे। हेलो सलाम अलैकुम, हेलो सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम भाई, फिरोज भाई बात कर लो, आप कॉन्फ्रेंस से लिया हुआ। हाँ बात कराइए जी, कौन है? सलाम अलैकुम भाई, हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको फिरोज भाई? जी जी भाई आ रही है। सलाम अलैकुम शहबाज भाई, की आवाज आ रही है क्या? हाँ बात करो। सलाम अलैकुम जी भाई, मैं शहबाज खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी बोलिए, आपका नाम सर? फिरोज भाई। जी फिरोज भाई, अभी लियाकत साहब से फोन आया था मुझे, और इन्होंने बताया कि आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं सिलसिले में पूना एसोसिएशन के ताल्लुक से। तो आप ये पूना एसोसिएशन में 9 मेंबर में है भाई, आप ये जदा सऊद साहब हैं, रहमान साहब हैं, सबा आपा, रिजवान आपा और शन्नान भाई जो हैं। जी, मेंबर ही हूं। देखिए सर, अभी आपने लियाकत साहब ने अभी मुझसे कहा कि आपके कोई इम्तियाज जलील एमपी साहब का भी जिक्र करे, तो मैं ये बोला भाई इस बात से तो मैं किसी की बात इसमें सुनने वाला हूं नहीं, और ना मैं किसी का वो हूं, लिहाजा इसको जो है मेरा ऑफर सिर्फ और सिर्फ पूना एसोसिएशन के लिए है, राइट?
अब इसको मुतीउर रहमान एक वीडियो डाल दे रहा, रिएक्शन टीवी एक वीडियो डाल दे रहा, कोई पॉलिटिकल फायदा उठा लेगा, कोई पॉलिटिकल नुकसान में आ जाएगा। तो इसीलिए मेरा ऑफर सर सिर्फ पूना एसोसिएशन से है, क्योंकि पूना एसोसिएशन के लोगों ने जो काम किया, मुझे जो खबरें मिली, उस बुनियाद पे मैं पूना एसोसिएशन से मुलाकात का ऑफर दिया। मैं 8 दिन पहले लाइव में आके बोला कि नोहरा शेख मुबारक जान और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज एसएफआईओ वाले 18 मुकदमे दर्ज कर दिए और नेक्स्ट पेशी 12 जुलाई को है, बोल के बोला। देखे ना, देखे आप जी, आखिर वकील क्यों नहीं गया भाई कोर्ट को 12 जुलाई को? वकील नहीं जाने की वजह से 5 केसों में उसकी बेल नॉन बेलेबल वारंट निकल गया उसको। अगर एक छोटा भी वकील चले जाता, ये बोल देता कि भाई नोहरा शेख घुसपैठ गई हुई है, पुलिस कस्टडी में है, स्वास्थ्य हाजिर नहीं हो सकती, नेक्स्ट डेट मिल जाती, सिंपल ना सर। जी जी, खैर ये ऐसे ही बातें हैं। अगर आप की ऑर्गेनाइजेशन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके बैठेंगे, हो सकता अल्लाह ताला जो है मेरे आंखों पे पर्दा अगर डाला है तो आप लोग हटा दीजिए आके, अगर आप लोगों के आंखों पे है तो अल्लाह हटा देगा मेरे जरिए से। आमीन आमीन आमीन। देखिए जिस किसी की भी आंखों से पर्दा है अल्लाह उसको अपने फजल, यकीनन यकीन भाई, मैं ये नहीं बोल रहा ना भाई कि मैं चुहूं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे मैं जितने गुस्से के बात या मेरे जो भी बातें हैं वो दब, देखो या क्या ऑफर के बात हुए, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कौम का भी अच्छा करेंगे, नोहरा शेख का भी अच्छा करेंगे। हाँ बोल के मैं एक मंशा और यही मकसद हमारी भाई, मैं एक वीडियो डाला तो देखिए आप मुतीउर रहमान जाके ये समझ लीजिए, मुतीउर रहमान, बाबी साहब, बाबू साबिर, नब्बू राउटी, ये जितने यूट्यूबर है इनका पूना एसोसिएशन से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, ये हमको मालूम ही नहीं ना भाई, ये सारे प्योर इन्वेस्टर है सर, और हमारा मकसद है हमारा पैसा मिले और हमारी कौम का पैसा मिले। वही हम भी ये चाह रहे हैं, हमारे अब क्या नाम बोले फिरोज भाई, कि बैठ के बात करेंगे ना सर, बात करके कौम परेशान है भाई मेरे। वेलकम वेलकम वेलकम, आपको एनी टाइम वेलकम भाई। मैं 2 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ भाई, सऊद भाई तो बात करना, मिसबाह आपा तो करना, रिजवान आपा तो करना, रहमान साहब सीनियर तरीन वकील है, उन्होंने तो करना ना भाई। अभी इससे ताल्लुक जो है, जो भी है आपके वीडियो के बाद, आप डिस्कस में आए, आने के बाद सबका मशवरा चल रहा है। देखिए इसमें सारे के सारे मेंबर है, इन्वेस्टर है, हम तो जैसा आपके बोलने के मुताबिक कंपनी के पेट दलाल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोला ना भाई, बड़े भाई मैं हरेक को नहीं बोलता, अगर मेरे तरफ से दिलाजारी हुई है तो फिर एक बार तमाम माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा बोलना किसको है सर, वो सुनिए, आप बोल रहे हैं, हम भी आपको हमारी तरफ से माफी चाहते हैं। अगर देखिए आपने स्टार्ट देखा रहेगा, पूना एसोसिएशन की तरफ से एक वीडियो हुआ जिसमें आपको बुरा भला बोला गया। हाँ, एक वीडियो नहीं मिलेगा साहब। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए भाई, तो आप एक्सेप्ट करते ना? यकीनन यकीन भाई, तर है कि आप लोगों से किसी से मेरी बात नहीं हुई ना भाई, उसके बावजूद मैं क्या करा, अपनी तरफ से वीडियो बना के ऑफर दिया। हालांकि वो और एक कलीम शेख बोल के और एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए। अरे वो चोर है। हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले जान के मामले में मुतीउर रहमान और नबी आउती से उनकी हो गई, मुझे भी फोन आया तो बोले 18 के बाद मैं आपको बहुत भांडे ला के फोड़ के दूंगा, वो ऐसा होगा वो। मैं बोला भाई मेरा ऑफर सिर्फ पूना एसोसिएशन जिसके सदर रहमान साहब और सऊद पावले है शिवा, उन लोगों के लिए ऑफर है, क्योंकि उनका फीडबैक मेरे को बहुत आया। मेरे जितने फोन आते सब लोग यही बोलते कि पूना एसोसिएशन वाले हमारे साथ ऐसा करे, अच्छे लोग आए शहबाज भाई, ये एक मरतबा आप झुक के देखो आप लोगों को। मैं बोला झुक गया, उसके बावजूद आप लोगों को क्या ही हुआ? देखिए हमारा मकसद आपको झुका नहीं है। अच्छा भाई, आएंगे ना तो झुकेंगे, हम भी झुकेंगे साहब। मैं भाई अपन भाया है, गले मिल लेंगे। आप आपके वीडियो में क्या बोलते है, पकड़ किसकी रहती? यकीन मुर्दारों अकड़ने की निशानी है मुर्दारा, बिल्कुल मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे फिरोज भाई अगर बोलते हैं तो सुबह की फ्लाइट लेके आ जाने वाला भी आदमी हूँ मैं, ये कौम के मामले के लिए। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट, मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन सुन लीजिए मेरे 2-3 शर्तें हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल चीज नहीं आएगी नंबर 1, और कोई अनाइयत नहीं आएंगी, कोई अनाइयत नहीं आएंगी। आज जो लियाकत भाई आपसे बात कर रहे हैं ये हमारे भाई है। हाँ भाई, बोला भाई हूँ, बोले नहीं लियाकत भाई बोले कि मैं कौम और मिल्लत इतने लोग परेशान है शहबाज मियां कि मैं बोल नहीं सकता, मैं उस दर्द से बात कर रहा हूँ, बोल के बोले हमारे। नहीं फिरोज भाई, और एक बात, ये भाई ये कंपनी मुसलमानों की, इन्वेस्टर मुसलमानों के, ये राजेश मिश्रा, ये मुतीउर रहमान, ये विनीत डांडा, मौली थॉमस, बीजू थॉमस, जान, ये क्या है भाई? ये
भाई देखो हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमका हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। हमारा मकसद हमारे मेंबरों का, देखो हमारे को जो भी अल्लाह के लिए करना है जैसा आप कर रहे हैं करें। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा सऊद भाई तो सऊद भाई तो हमारे फिरोज भाई, सऊद भाई तो बिजी है सुना भाई। हाँ अभी बिजी है भाई, अभी इतना सब मत, अभी वो भी वीडियो बना के मत डालो आप। नहीं मालूम है मुझे क्या क्या काम में बिजी है, मुझे फोन आया था मालूम है मुझे। चलिए खैर, तो दूसरी बात ये है कि दूसरी पहली शादी है, आधी इन्फॉर्मेशन पहली अरे पहली है और हमारे, अरे भाई पहली है और हमारे जानने वाले हैं। चलिए दूसरी बात छोड़ दीजिए उसको, और बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिले मुबारकबाद है। ये पोजीशन में रहने के बाद जो है एक सिंपल जगह कर रहे हैं उन्होंने, दैट्स ग्रेट। वो जो चीज अच्छी है वो बोलूंगा। हमारी तरफ से आपके एक्टिंग सदर साहब को मुबारकबाद पेश कर दीजिए, और कब आ रहे हैं आप लोग ये बोल दीजिए मुझे सर। आपकी मालूमात के लिए बोल रहा हूँ साहब, जैसा आपके यहाँ पे और आपको जहाँ जहाँ से यह आता, पूना में भी आपके लिए बहुत गंदे लोग हैं, गंदी सोच वाले हैं, गंदी मेंटेलिटी वाले यकीन होंगे भाई, जो बिल्कुल नहीं चाहते बोर्ड हो। ये तो देखिए अल्लाह गवाह कर दे हमारे लियाकत भाई को। चलिए आप ये बोलिए सर। देखिए आज जो हमारा मसला ये सबका है, कौम का मसला है, किसी अकेले फिरोज का या अकेले शहबाज का या अकेली मोहरा का ये मसला नहीं है। नहीं सर मुझे ये बोलिए आप कब आएंगे आप लोग, कौन कौन आएंगे जी। ठीक है ना, उसका अपडेट देंगे हम आपको। चलिए वेरी गुड, उसी से रिलेटेड हमारा मशवरा चल रहा है। हाँ तो चलिए मैं एक वीडियो बना के कम से कम ये बोल देता हूँ कि पुनः सुजन की तरफ से फिरोज साहब, आपका पूरा नाम भाई, आपका पूरा नाम फिरोज बेग, आप एसोसिएशन के क्या है मतलब उन्होंने अपॉइंट करे बोल के बोल सकते हैं आपको। बिल्कुल बोर्ड मेंबर है एसोसिएशन। चलिए मैं ये बोल देता हूँ। और आपके दूसरी बात ये कि भाई मैं फिर आपको एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ कि मैं सिर्फ अल्लाह रसूल और जो है सुलह हुदैबिया का जो जिक्र कर रहा हूँ उस बात पर कायम रहूंगा। आप लोग जहां बोले जैसा बोले, और हमारी तरफ से मैं रहूंगा, आपकी तरफ से कौन रहेंगे आप डिसाइड कर लीजिए, और पूरा अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के मीटिंग करेंगे। बिल्कुल, हम भी हमारी तरफ से खुलासा कर रहे हैं कि हम भी चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब मेरी आवाज पे काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे भाई ने जो बिगिनिंग किया है लियाकत भाई। जी जी लियाकत भाई बात कीजिए। हाँ लियाकत साहब बोलिए साहब। देखिए लियाकत साहब मैं तो बोल दिया हूँ फिरोज साहब को, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं आएगा, ये उम्मत का मामला। अब भाई कब आते बोल के फिरोज भाई, आप कब बोलेंगे मेरे को? ठीक है इंशाल्लाह मशवरा करते हैं। फिर फिरोज भाई आपको एक मशवरा दूं मैं, आप पहले अपनी वीडियो डाल दो। और वो तो भाई नहीं, फिर फिरोज भाई एक मशवरा दूं आपको जी, बताइए। जब सऊद भाई या रहमान भाई या मिजबा आपा या रिजवान आपा, जो भी एक दो तीन लोग हैं, पूरे तो एक साथ जमा नहीं होंगे मुझे भी पता है, उस वक्त या बैठ के स्पीकर ऑन करके बात कर लें एक दो मिनट, या कॉन्फ्रेंस में ले ले किसी दो लोगों को, बेहतरीन काम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग कल मीटिंग करके आपको इंशाल्लाह कॉल लगा। और आप देखिए किस तरह जो है इसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें पेड लोगों का बहुत बड़ा रैकेट है सर, इसमें आप लोग समझिए बात को, और मासूम इन्वेस्टर को कुर्बान कर दे रहे हैं सर। कोई BMW ले रहा, कोई गाड़ी इलेक्शन में गाड़ी मंगा ले रहा, कोई प्रॉपर्टी बेच ले रहा, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हमको जरिया बना। लेकिन अल्लाह, लेकिन सुनिए आप, अगर यही बोल, मुझे भी लोग यही बोले भाई अल्लाह कर लेता और आपके लोग कर लेते, तुम क्यों जा रहे हैं? अरे भाई अल्लाह ताला तुम्हारे कार्य खैर के लिए मुंतखब करा, पूना एसोसिएशन को हमको अल्लाह मुंतखब करा, कौम की इस असासे को बचाओ। क्योंकि भैया मासूम इन्वेस्टर्स को नहीं मालूम क्या चल रहा, मासूम इन्वेस्टर्स को नहीं मालूम भाई, बस जो पूना एसोसिएशन है बोल के मालूम उनको खाली, लेकिन पूना एसोसिएशन को क्या कर रहे हैं लोग पीछे से नहीं मालूम, शहबाज खान के पीछे से कौन क्या कर रहा है उनको नहीं मालूम। कम से कम ये बात करके इन लोगों का खुलासा तो करेंगे सर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसोसिएशन में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई उत्तर के सारे इन्वेस्टर भी अपना भी मान लगा है, और सबकी फिक्र ये है कि सिर्फ हमारा पैसा नहीं मिले, उम्मत का पैसा मिले। फिरोज भाई आप लोगों से बात करने का मकसद ये है ना भाई मेरा, और उस बोल दिया ना मैं कोई पुराने बातों को माफ करके ही बिस्मिल्लाह बोल के मीटिंग शुरू करूंगा।
الحمدللہ فیروز بھائی, میں میٹنگ کا ڈیٹ اور ٹائم کے لیے مجھے 9 نمبر کے فون نمبر ہیں میرے پاس. اور ایک منٹ سنیے, یہ ہم ہماری طرف سے امانت رکھیں گے, آپ کو آپ کی طرف سے امانت رکھنا پڑیں گے. لیاقت بھائی صحیح ہے, نہیں نہیں بول دیں گے. دیکھیے اب تو بات ہی ہو, اب یہ ڈکلیئر جب کرنے کا ہے تو بول دیں گے سر اس کو امانت کیسا رکھیں گے. یہ کب کریں گے, یہ کب کریں گے جب پہلے ہماری ڈسکس ہوتی ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. جب ہم ایک راہ راست پہ آ جائیں گے اس ٹائم پہ اوپن. بہرحال یہ بات چیت کا پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے, میں پورے ایسوسیشن کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. نہیں یہ بولیے فیروز بیگ سے. ہاں خالی فیروز بیگ کا ہی نام لوں گا میں. فیروز بیگ جو پونا ایسوسی ایشن کے بورڈ ممبر ہے, ہاں الحمد للہ ان سے بات چیت شروع ہو چکی ہے. چلیے انشاءاللہ سر, چلیے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. آپ بات کر کے ڈیٹ اور وقت بولیے, انشاءاللہ تعالیٰ میں ریڈی رہوں گا سر. ضرور ضرور انشاءاللہ. شکریہ بھائی, ٹائم آپ سے پہلے بتا دیا جائے گا. شکریہ سر. ٹھیک ہے لاگت بھائی, جزاک اللہ خیر بھائی. شکریہ بھائی السلام علیکم. شکریہ. ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے, اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے.